दोस्तों इस किले के, इस मकबरे के बारे में हमारे अंकल मिले हैं। ये अंकल को थोड़ा बहुत पता है, इनको किस मकबरे के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। अंकल जी बताइए कुछ डिटेल्स। मकबरे के बारे में ये है कि ये मुगलों के शासनकाल में ये बाबर के सेनापति थे। जी जी, इतिहास में ये दर्ज है। अच्छा दोस्तों, ये जो गेट देख रहे हैं, ये गेट है शेर सूरी का, यहाँ से द्वार है। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा अंदर जाने के लिए। आप पैदल भी जा सकते हैं, ई रिक्शा से भी जा सकते हैं, 10 रुपये किराया। बाकी इसके आसपास का देख ही सकते हैं नज़ारा, इधर सब्जी वब्जी लगा हुआ है, इधर ये देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं। आपको जूम करके बताता हूँ, शेर सतूरी गेट इधर से देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आपको 1 किलोमीटर पड़ेगा, आप पैदल भी जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, की हाल चाल, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो होने वाला वीडियो दोस्तों, आज हम शेर शाह सूरी मकबरा को एक्सप्लोर करेंगे, आप लोग का दिखलाएंगे ये दिखने में कैसा लगता है। दोस्तों तो ये देख सकते हैं, मैं अभी एंट्री कर गया हूँ शेर शाह सूरी मकबरा के बीचे बीच हूँ मैं अभी। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, मतलब चारों तरफ ये पानी से घिरा हुआ है। दोस्तों इधर आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में। इधर आप देख सकते हैं, इधर भी पानी, और वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे क्या है देखने को मिलता है आप लोग का पूरा डिटेल्स में बताएंगे आपको। तो दोस्तों देख सकते हैं, अभी वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे आपको चलकर पूरा डिटेल्स बताएंगे शेर शाह सूरी। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं, इंडियन टिकट है 25 रुपी और फॉरनर कट्टी है 300 रुपये टिकट, जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने टिकट ले लिए हैं, ये एक पर्सन का 25 रुपये पड़ा है टिकट। ये है दोस्तों कुछ पार्किंग एरिया, इधर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यहाँ टिकट काउंटर है दोस्तों, यहाँ से एंट्री गेट है जैसा कि देख सकते हैं। एंट्री कर लिए यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है शेर शाह सूरी। तो आप सूरी मकबरा देखने में ये कैसा लगता है, और इधर देख सकते हैं दोस्तों ये चारों तरफ से पानी पानी भरा हुआ है। ये शेर शाह सूरी मकबरा भारत का दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं इसको। आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो बिहार के सासाराम पड़ता है, इसका जिला रोहतास लगता है जी। दोस्तों ये देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सुंदर देखने में लग रहा है। इधर देख सकते हैं, ये काफ़ी यहाँ से कुछ नज़ारा सीन देखने में लग रहा है। इधर आप देख सकते हैं, इधर आप देख सकते। दोस्तों इस किले के, इस मकबरे के बारे में हमारे अंकल मिले हैं, ये अंकल को थोड़ा बहुत पता है, इनको किस मकबरे के बारे में थोड़ा डिटेल्स बताएंगे। अंकल जी बताइए कुछ डिटेल्स। मकबरे के बारे में ये है कि ये मुगलों के शासनकाल में ये बाबर के सेनापति थे। जी जी, इतिहास में ये दर्ज है। अच्छा, उस वक्त बाबर के मृत्यु के बाद, बाबर के 4 साल शासन के बाद 1526 से 1530 में बाबर की जब मृत्यु हुई जी, तो इनका उत्तराधिकारी हुमायूं, हाँ, नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जी सत्ता पे आए, लेकिन वह कमज़ोर शासक हुए मुगलों के शासनकाल में जी। मुगलों के शासक ने बाद में शेर शाह सूरी जब देखा कि उत्तराधिकारी इस आयोग है तो सत्ता पे हावी हो गए जी जी, और बाबर हुमायूं को भागना पड़ा जी। हुमायूं चले गए, ये छुपकर या हट गए, कहीं ईरान चले गए। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये फिर आए जी, और इनसे एक युद्ध हुआ। अच्छा अच्छा, ये सब सुनने में आता है। हमको इतिहास के तो हम इतना नहीं है, लेकिन इन लोगों ने ये काम कराया, काफ़ी इनका वर्क है जी। रोड बनाना, सराय में निर्माण जी, सैनिकों को दागने की प्रथा इन्होंने लागू किया जी। हाँ, कुछ इस तरह का ग्रैंड ट्रंक रोड इनका एक, हाँ, जो NH2 अभी जो बोलते हैं, जो बंगाल से लाहौर तक, पेशावर तक वो रोड गई। हाँ, इसकी ऊंचाई 122 फीट है ना। हाँ, इसकी 122 फीट ऊंचाई है। इनकी नाम क्या था, इनका नाम फरीद खान, फरीद खान नाम था ना। बाद में ये शेर शाह सूरी के नाम से। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों अंकल जी ने कुछ बता दी हिस्ट्री इसके बारे में, बाकी जितना मालूम था अंकल जी को बता दिए। और जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, इसको चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बीच में ये मकबरा है दोस्तों, ये देख सकते हैं। वास्तुकला की एक बहुत बड़ी निशानी है वास्तुकला में जी, उस दौर का वास्तुकला कितने आगे था इस बात का पता चलता है ये मकबरे में प्रवेश करने पर जी। ओके अंकल जी, बताने के लिए थैंक यू सो मच।
बाकी देख सकते हैं अंकल जी ने बता दिए, इधर देख सकते हैं कुछ दोस्तों इस प्रकार का है मछुआरा खाते रहते हैं। अंकल जी कहाँ से आए आप? हम गोरखपुर जिले से। अंकल जी गोरखपुर से आए हैं और यूपी में पड़ता है गोरखपुर। रिटायर्ड हेडमास्टर है। अच्छा, हेडमास्टर भी हैं, रहे हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं जी। थैंक यू। शेर शाह सूरी का जन्म लगभग 1472 ईस्वी में हुआ था, जिन्हें बचपन में फरीद खां के नाम से पुकारा जाता था। हालांकि इसके जन्म वर्ष और जगह दोनों को लेकर मतभेद है। कोई कहता है कि इनका जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। वह बहुत ही कुशल सैन्य, निर्भीक, बहादुर, बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनके दादा का नाम इब्राहिम सूरी और पिता का नाम हसन खान सूरी, जो सुल्तान बहलोल लोदी के समय 1482 ईस्वी में अफगानिस्तान के सरगरी से रोजगार की तलाश में भारत आए थे। भारत में उन्होंने महाबत खां सूरी व जमाल खां के यहाँ नौकरी की। फिर 1499 में जमाल खां ने हसन खां को सासाराम का जागीरदार बना दिया था। शेर शाह का बचपन यही बीता और वहाँ का जागीरदार भी बना था। फिर सन 1540 में हुमायूं को पराजित कर शेर शाह ने दिल्ली की गद्दी पर बैठ हिंदुस्तान पर लगभग 5 साल तक राज किया था। कैसे पहुंचे सासाराम? रेल शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम शहर के पास है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और गया जंक्शन रेलखंड पर सासाराम एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। दिल्ली कोलकाता के बीच चलने वाली ज्यादातर ट्रेन सासाराम होते जाती हैं। स्टेशन से ऑटो या रिक्शा से मकबरा तक जा सकते हैं। डॉट सड़क सासाराम नेशनल हाईवे 2 GT रोड पर स्थित है। यहां से आप वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता और पटना आसानी से जा सकते हैं। डॉट हवाई मार्ग सासाराम का नज़दीकी हवाई अड्डा गया और वाराणसी है। गया करीब 100 किलोमीटर, वाराणसी 120 किलोमीटर और पटना करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। सासाराम के लोग पटना से ज्यादा वाराणसी से जुड़े रहते हैं। तो दोस्तों, शेर शाह सूरी का मकबरा इसीलिए खास है कि भारत का दूसरा ये ताजमहल होता है। जैसा कि देख सकते हैं इधर कितना अच्छा खूबसूरत देखने में लग रहा है। ये प्यारा सा आप लोगों को चल के आगे दिखलाएंगे, इसका पूरा डिटेल्स बताएंगे, इतिहास कि ये क्या है, खास कैसे है। और इसको तो बने रहें वीडियो में दोस्तों। इधर इसके चारों तरफ देखने में कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। यह गुंबद 122 फीट ऊंचाई है। इसके बारे में पूरा डिटेल्स तो मालूम नहीं है इतिहास, बाकी आप लोग का थोड़ा देखकर बताएंगे इसको डिटेल्स कितना है, क्या है, नहीं है, इधर देख सकते हैं। बाकी इधर चारों तरफ से ये पानी पानी भरा हुआ दोस्तों, इधर देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ से देखने में कुछ अलग टाइप का लग रहा है, पानी पानी पूरा भरा हुआ है चारों तरफ। ये बीच में गुंबद है शेर शाह सूरी मकबरा की, देख सकते हैं दोस्तों। इधर चलिए आप लोग का और दिखलाता हूँ उधर, मतलब इसको चारों तरफ। ये छोटा सा है पर ये सबसे बड़ा वाला ये है, ये देख सकते हैं ना। ये देखिए दोस्तों, इस मकबरा को पूरा एक्सप्लोर कर लिया है। ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से कंटेंट के साथ। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं दोस्तों।